सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जो मन को नियंत्रित नहीं करती उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। ध्यान रखें कि महान प्रेम और महान उपलब्धियों में महान जोखिम शामिल है। जब रिश्तों के बीच से विश्वास गायब होने लगे और उसकी जगह जीत मुकाबला और बदतमीजी आ जाए तब वह रिश्ते खत्म होने की तरफ बढ़ने लगते हैं। किसी का बुरा कह के खुश मत होना, क्योंकि ऊपर वाला जब हिसाब करता है तो वो संभलने तो क्या रोने के लायक भी नहीं छोड़ता। आज का पंचांग 21 अक्टूबर 2022 दिन शुक्रवार, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि शाम 5:24 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मघा नामक नक्षत्र दोपहर 12:29 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्व फाल्गुनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:30 से 11:20 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:48 से 12:34 तक रहेगा। आज चंद्रमा सिंह राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य तुला राशि पर रहेंगी। रामा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। धनु राशि 21 अक्टूबर 2022 दिन शुक्रवार, क्लब या सामाजिक कार्यक्रमों में दोस्तों की कंपनी में अधिक समय बिताने के बाद अब आपको आराम करने की जरूरत है। सेहत के लिए यह समय शानदार है। अंदरूनी या उच्च शक्ति को एक हानिकारक मार्ग को रोका जा सकता है। रिचार्ज करने के लिए कुछ अस्थायी अकेलेपन का मजा लें। आप आज मन की आजादी प्राप्त करेंगे और सच में उसका मजा लेंगे। प्रतिबंध और बंधन आपको उत्साह और रोमांच प्रदान करते हैं। यात्रा की संभावना है, यह एक साहसिक या सुखदायक यात्रा हो सकती है। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। इस राशि के जातकों के लिए आज का दिन हर फैसला सोच समझ कर लेने वाला है। आज दिन आपके लिए अनुकूल ना होने की वजह कोई जोखिम भरा कार्य ना हो। आज दिन आपके लिए अनुकूल ना होने की वजह कोई जोखिम भरा कार्य ना ही करें। आज दिन के पूर्वार्ध से ही शारीरिक रूप से कार्य करने में असमर्थ अनुभव करेंगे, लेकिन फिर भी जबरदस्ती करने पर कम समय में अधिक थकावट होगी। व्यावसायिक कार्यों के साथ घरेलू एवं व्यक्तिगत कामकाज के लिए अन्य के ऊपर निर्भर रहना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र पर मध्याह्न के बाद ही व्यवसाय में रुचि लेंगे, लेकिन आज व्यवसाय की गति भी संध्या को छोड़कर अन्य समय मंद ही रहेगी। काम धंधे में कोई बदलाव हो सकते हैं जो कि व्यापारिक दृष्टि से अत्यंत ही लाभकारी देखे जाएंगे। नौकरी पेशा वर्ग में कुछ कर्मचारी ऑनलाइन माध्यम से काम को संभालते हुए देखे जाएंगे। सावधानियां, यदि आपका कोई कानूनी मामला विवादित है तो आपको उसमें आज भागदौड़ करनी होगी, तभी वह पूरा हो सकेगा। या उसमें नियम कानून पर पूरा ध्यान दें, उनका उल्लंघन बिल्कुल ना करें। यदि आपको कोई परिवार में किसी सदस्य के करियर से संबंधित कोई फैसला लेना पड़े तो उसमें जल्दबाजी ना करें। बात करते हैं लव लाइफ की। यह समय अपने ड्रीम को पूरा करने का है। प्रेम के मामलों में आप बहुत गंभीर हैं और भविष्य में अपने गुणों के कारण आपका पार्टनर आप पर अधिक विश्वास करेगा। आज किन्हीं कारणों से जेल या अस्पताल भी जाना पड़ सकता है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। आपकी रोमांटिक जिंदगी आज सुहावनी रहेगी। इसके लिए आप शानदार डिनर या लॉन्ग ड्राइव का आयोजन भी कर सकते हैं। अपनी भावुकता पर नियंत्रण रखें और अतीत की गलतियों को भुलाकर आगे बढ़ें। प्यार के इजहार के लिए दूसरे की पहल का इंतजार ना करें, बल्कि स्वयं अपनी चाहत को व्यक्त करें। बात करते हैं करियर की। आज का दिन अलग ही स्तर पर है, जहां आप सब कुछ भूलकर अपनी रहस्यमय दुनिया में मग्न हैं। किसी भी तरह के
नुकसान से बचने के लिए शारीरिक संयम बनाए रखें। अपने नए उत्पाद के लिए नए विचारों की तलाश करें। इनके लिए इंटरनेट एक बेहतरीन स्रोत है। आपके पास आज एकमात्र स्वतंत्रता है और वो है मन की स्वतंत्रता, जिससे आपको बेहद लगाव है। अपने बौद्धिक या आध्यात्मिक विचारों को दूसरों के साथ शेयर करें। अपने इस अच्छे समय को व्यर्थ न जाने दें, बल्कि इसका सदुपयोग करें। अटके हुए कामों को पूरा करें। सपने देखना ना भूलें, क्योंकि सपने ही आपको प्रेरित कर सकते हैं। बात करते हैं सेहत की। अच्छा, आपकी सर्वाइकल के दर्द की समस्या बढ़ सकती है। भुजंग आसन करना लाभकारी देखा जा सकता है। आज का उपाय, आज आप माता लक्ष्मी जी की पूजा करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।